Hello everyone. So today we are going to start with the new topic, that is the sexual reproduction in plants. हमने asexual reproduction के बारे में अभी पढ़ा था. Now this is the sexual reproduction in plants. Sexual reproduction में if you remember, male as well as female दोनों जो organs हैं वो involve होते हैं. ठीक है, मेल सेल एज वेल एज फीमेल सेल दे फ्यूज टूगेदर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू गिव राइज टू द ऑफस्प्रिंग. क्लियर? सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स में हम करने जा रहे हैं, तो हमने पढ़ा है कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में, फ्लावर के बारे में. मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती किसमें है? इन द फ्लावर. मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारा फ्लावर होता है. फ्लावर के बारे में हम शुरू से पढ़ते आए हैं. Let's recall the parts of the flower. Okay. सबसे पहले बेटा, we all know the colorful part of the flower is called as, in colorful plant जो साइड पे है इनको क्या कहा जाता है? That is called as petals. Right? Petals को colorful part होते हैं flower के. And the green part, ये जो नीचे present है, this green leaf-like structure, that is called as sepals. Right? And the main female part of the plant, क्या कहा जाता है उसको? This is the main female part of the plant. ठीक है, इसको क्या कहा जाता है बेटा? कार्पल. ठीक है, कार्पल और पिस्टल दो नेम्स होते हैं. या इसको कार्पल कहते हैं और इसको पिस्टल भी कहा जाता है. Is it clear? It is further divided into three parts. क्या पार्ट्स है? तीन पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ये डिवीजन की थी. ठीक है, एंड द नेक्स्ट पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट इज द स्टेमन. दिस इज द स्टेमन, जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिलामेंट एंड एंथर. क्लियर? सो इन योर बुक इन बायो लैंग्वेज ये पार्ट्स को दूसरे नेम्स भी दिए गए हैं. ठीक है, जिनको आगे हम बॉटनी में उसको ऐसा चुनी नेम्स को यूज करते हैं. क्लियर? सो जो सैपल्स हैं, फोर हैं, फाइव हैं, सिक्स हैं, जितने भी सैपल्स हैं टुगेदर दे मेक, क्या बोलते हैं उस पार्ट को? दैट पार्ट इज कॉल्ड एज कैलेक्स. क्या कहा जाता है उसको? कैलेक्स कहा जाता है. Is it clear? Sepals go together, it is called as calyx. In the case of petals, us part ko kya kaha jata hai? Together petals are called as corolla. Is it clear? They are known as corolla. Clear? In the case of stamen, jo male reproductive part hai, usko kya kaha jata hai? That is called as androecium. आपने यही टर्म्स यूज करनी है, इसी के बारे में पढ़ना है. ठीक है, फीमेल पार्ट जो दिस इज द सेंटर वन, कार्पल और पिस्टल, इसको क्या कहा जाता है? गाइनोशियम. इज इट क्लियर? ठीक है, हम थोड़ा इनको आगे भी देख लेते हैं कि स्टेमन को फर्दर किन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. स्टेमन इज डिवाइडेड इंटू फर्दर टू पार्ट्स. वन इज एंथर and the second one is filament. Kya structure hai? This is the structure, right? Ye lower part, the tail like structure, ise kya kaha jata hai? Filament kehte hain. Padha hua hai beta apne sabne ye. This is called as anther. जब एंथर को हम यहाँ ऊपर से कट करते हैं, उसको डायसेक्ट करते हैं, तो अंदर हमें क्या मिलते हैं? इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स. इज इट क्लियर? पढ़ के आए हम पॉलन ग्रेन्स के बारे में भी. पॉलन ग्रेन्स में क्या पढ़ा था हमने? पॉलिनेशन प्रोसेस. आया याद? राइट. सो नेक्स्ट है हमारा फीमेल पार्ट, दैट इज द कार्पल. कार्पल को भी बेटा फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. जो गाइनोशियम है, कार्पल है,
उसको स्टिग्मा स्कल एंड ओवरी में डिवाइड किया है, लाइक दिस इज द डायग्राम, राइट? ये डायग्राम है, ठीक है? द अपर पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज स्टिग्मा, जिसके ऊपर क्या फॉल करते हैं? पॉलन ग्रेन्स, ठीक है? एंड दिस लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज स्टाइल, एंड द लोअर स्वॉलन पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज ओवरी. ना ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं. ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है, जो फीमेल सेक्स सेल्स को कंटेन करते हैं. फीमेल गैमीट्स वो बोलते हैं उनको, वो इसको होल्ड करते हैं. ओव्यूल, ओव्यूल की ओपनिंग, ओव्यूल के अंदर जो ओपनिंग होती है उसका वन एंड, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोफाइल, ओके? एंड ओव्यूल के अंदर हमने अभी बताया मैंने, दैट इज द फीमेल गैमीट. और उसको क्या कहा जाता है? फीमेल गैमीट्स को सेक्स सेल्स और एग सेल्स बोला जाता है. इज इट क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट फ्लावर. फ्लावर के पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया. और हमने ये भी पढ़ा है कि फ्लावर्स में भी दो तरह के टाइप्स होते हैं. वन इज यूनिसेक्सुअल एंड सेकेंड वन इज बायसेक्सुअल फ्लावर. क्लियर? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं बेटा? द फ्लावर दैट कंटेन ईदर मेल और अ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है? फ्लावर में या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, दोनों में से कोई एक. यूनि मीन्स वन, दैट इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर. इन द केस ऑफ बायसेक्सुअल, द बोथ ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व, मेल एज वेल एज फीमेल. क्लियर? दैट इज कॉल्ड एज बायसेक्सुअल फ्लावर. एंड द एग्जाम्पल क्या है यूनिसेक्सुअल फ्लावर की? मेज, बॉटल गॉड, ठीक है? पंपकिन, जो लौकी जिसको बोलते हैं बॉटल गॉड, वो क्या है? दैट इज द यूनिसेक्सुअल प्लांट, ठीक है? एंड इन द केस ऑफ बायसेक्सुअल एग्जाम्पल्स आर रोज, चाइना रोज, लिली, ठीक है? दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ बायसेक्सुअल फ्लावर्स. अच्छे से करना है. दोनों का डिफरेंस इंपॉर्टेंट होता है बेटा, बायसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल का. 1 or 2 marks में आ जाता है विद एग्जाम्पल्स. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिनेशन. पॉलिनेशन हम पढ़ के आए हैं. व्हाट इज द पॉलिनेशन? यस, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू एनदर फ्लावर. पॉलन ग्रेन्स मैंने बताया था किसमें होते हैं? इन द एंड्रोशियम. एंड्रोशियम के अंदर किसमें? उनके एंथर पार्ट में से रिलीज होते हैं. स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है पॉलन ग्रेन्स का, ठीक है? वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम द स्टिग्मा, फ्रॉम द स्टेमेन टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज द गाइनोशियम. क्लियर? पॉलिनेशन इज क्लियर. आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर. दिस इज कॉल्ड एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन प्रोसेस, ओके? सो पॉलिनेशन भी बेटा फर्दर आगे 2 टाइप्स की होती है. वी ऑलरेडी डन दैट, ठीक है? वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड द सेकेंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन. ये 2 पॉलिनेशन हम पहले भी पढ़ के आए हैं फ्रॉम द 5th 6th क्लास, राइट? पॉलिनेशन सेल्फ मीन्स जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एक ही प्लांट में, डिफरेंट फ्लावर्स हो चाहे चाहे सेम फ्लावर हो, एक ही प्लांट में, अपने ही प्लांट में डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में जो पॉलिनेशन होती है, एंथर टू स्टिग्मा जो फॉल हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन. एग्जाम्पल इज वीट, बार्ले, ओट. दीज आर सम काइंड ऑफ प्लांट्स जिनमें क्या हो रही है? सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है. क्लियर? सेल्फ पॉलिनेशन बच्चे तभी होती है इन द सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स जब उनके एंथर एज वेल एज स्टिग्मा, ठीक है, जो उनका एंथर है एज वेल एज स्टिग्मा एट द सेम टाइम मैच्योर हो रहे हैं.
ठीक है, सेम टाइम ग्रोथ हो रही है, ऑफ कोर्स इन द सेम प्लांट दे आर प्रेजेंट, तो सेम मैच्योरिटी होगी, कोई टाइम डिफरेंट नहीं होगा उनमें. सो एट दैट टाइम पॉलिनेशन अकर्स, विच पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन. क्लियर? इन द केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन व्हाट हैपेंस, डेफिनेशन क्या करी हुई है हमने, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ एनी अदर प्लांट, अनदर प्लांट बट सेम स्पीशीज, स्पीशीज सेम हो. लाइक आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ रोज, रोज के प्लांट से कोई यहाँ प्रेजेंट है या मेरे घर के बाहर प्रेजेंट है रोज, तो वो उनमें से जो पॉलिनेशन हो रही है आपस में, दैट इज अ क्रॉस पॉलिनेशन. किसी और प्लांट पे जाके गिरेगा, जैस्मिन पे गिरेगा, लिली पे गिरेगा, कोई पॉलिनेशन नहीं होगा. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? क्लियर क्रॉस पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द प्लांट बट द स्पीशीज इज सेम. क्लियर ऑल ऑफ यू? सो जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, इनका जो एंथर है और स्टिग्मा है दैट मेच्योर्स एट डिफरेंट टाइम्स. ठीक है, दोनों का ग्रोथ रेट डिफरेंट होगा, उनके स्टिग्मा डिफरेंट टाइम पे मेच्योर होंगे, एंथर डिफरेंट टाइम पे मेच्योर होंगे. ठीक है, एन एग्जाम्पल क्या है, डेट पाम एप्पल. ठीक है, उनमें किसकी हेल्प से पॉलिनेशन हो रही है, क्रॉस पॉलिनेटेड. अब ये क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन सेम प्लांट पे गिरते हैं, ठीक है, दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस. क्रॉस पॉलिनेशन में और सेल्फ पॉलिनेशन में एक और डिफरेंस है बच्चे, क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ सम एजेंट्स. जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो कुछ एजेंट्स की हेल्प से, जिनकी हेल्प से वो हो सकती है. कौन से एजेंट्स? सच एज वॉटर, विंड, इंसेक्ट्स, एनिमल्स. क्लियर? दीज आर सम एजेंट्स विच आर हेल्पफुल इन द क्रॉस पॉलिनेशन. हाउ? हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. पहले वाटर पॉलिनेशन में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ वाटर, एज द नेम इंडिकेट, विंड पॉलिनेशन, विंड चल रही है, विंड की हेल्प से एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे उड़कर पॉलन ग्रेन्स फॉल होते हैं. इंसेक्ट्स एक नेक्टर से जाता है दूसरे नेक्टर पे, उसकी बॉडी के साथ स्टिक होकर वो पॉलिनेशन करते हैं. इन एनिमल्स के साथ भी उनकी बॉडी पे कहीं पे भी एंथर स्टिक हो जाते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं. दीज आर द एजेंट्स विच आर हेल्पफुल इन द क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसेस. नाउ हम इन एजेंट्स के साथ जो पॉलिनेशन हो रही है, वाटर पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन, इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज द एजेंट्स ऑफ द पॉलिनेशन. ओके, विंड, वाटर, इंसेक्ट पॉलिनेशन, हमने इसके बारे में पढ़ना है. ठीक है, सबसे पहले है बेटा विंड पॉलिनेशन. विंड पॉलिनेशन, द पॉलिनेशन अकर विद द हेल्प ऑफ विंड. ठीक है, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो ये पॉलिनेशन करते हैं, जिनके अंदर क्या फीचर्स होते हैं, डस्टी माइन्यूट लाइट पॉलन. अब विंड है, विंड की हेल्प से वो एक जगह से दूसरी जगह कैरी हो रहे हैं, तो लाइट वेट होंगे ऑफ कोर्स उनके पॉलन्स. डस्टी होते हैं, दे आर वेरी वेरी माइन्यूट. ठीक है, बहुत स्मॉल साइज के होते हैं. इज इट क्लियर? सेकेंड, दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन. जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो क्या है, दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन, उनमें कैपेसिटी ज्यादा होती है. स्टिग्मा कैसा होता है उनका, लॉन्ग एंड फेदरी स्टिग्मा, सो दैट कि उसके ऊपर इजिली आके पॉलन ग्रीन स्टिक हो जाए. क्लियर? एंड कौन सी एग्जाम्पल्स हैं, द राइस, व्हीट, मेज, दे ऑल बिलोंग टू द विंड पॉलिनेटेड फ्लावर. ठीक है, एंड विंड पॉलिनेशन को क्या बोला जाता है बेटा, दैट इज द एनीमोफिली. दिस इज द अनदर नेम ऑफ विंड पॉलिनेशन. क्लियर? इज इट क्लियर? विंड पॉलिनेशन क्लियर हुआ, क्या उनके फ्लावर्स के फीचर होते हैं, एग्जाम्पल्स, कैसे उनका स्टिकी फैदरी स्टिग्मा होता है जिसके ऊपर विंड्स की हेल्प से वो इजिली कैरी होते हैं और इजिली उनके ऊपर आकर स्टिक होते हैं. इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट है बेटा वाटर पॉलिनेशन. वाटर पॉलिनेशन मीन्स विद द हेल्प ऑफ वाटर. वाटर के अंदर जो पॉलिनेशन हो रही है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोफिली.
वाटर पॉलिनेशन का अनदर नेम क्या है? हाइड्रोफिली. हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर के अंदर जो पॉलिनेशन हो रही है. एग्जाम्पल, वाटर के अंदर कौन से प्लांट्स होते हैं? दैट इज द हाइड्रिला, वेलिसिनेरिया. ठीक है, हम ये शुरू से एग्जाम्पल्स पढ़ते आ रहे हैं. दे डू द विद वाटर पॉलिनेशन. कैसे होती है उनके फ्लावर्स बेटा, कैसे होते हैं? वे आर वेरी स्मॉल, कलरलेस होते हैं उनके फ्लावर्स. और जो उनका फ्लावर है वो ओपन कब होता है? एट मेच्योरिटी. क्या होता है मेच्योरिटी में? फीमेल पार्ट जो होता है ना, वो ओपन होकर कहाँ आ जाता है? फ्लोट होता है मेच्योर होकर ऑन द सरफेस, उसका स्टॉक ओपन होता है. ठीक है, और जो मेल पार्ट होता है वो सरफेस पे फ्लोट होता है. ठीक है, जब उनके पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, वो फीमेल फ्लावर का स्टॉक क्वाइल होकर वापस इट गोज इन टू द वॉटर, जहां पे उनकी आगे फर्दर फर्टिलाइजेशन होती है. क्लियर बेटा? सो दिस इज द वॉटर पॉलिनेशन एग्जाम्पल. क्लियर है कैसे होता है? ओके, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोफिली. इज इट क्लियर? सो नाउ मूविंग टू द थर्ड पॉलिनेशन, दैट इज द इंसेक्ट पॉलिनेशन. इसको अनदर नेम क्या है? दैट इज द एंटोमोफिली. क्लियर? जो इंसेक्ट पॉलिनेशन है उसको एंटो मीन्स इट रिप्रेजेंट्स द इंसेक्ट्स. ठीक है, एंटोमोफिली इंसेक्ट पॉलिनेशन होती है. इसमें क्या फीचर्स हैं? जो इनके पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिकी एंड स्पाइनी होते हैं. क्यों ऐसे होते हैं? क्योंकि इंसेक्ट्स क्या होते हैं बेटा? दे गेट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द फ्लावर. फ्लावर का जो कलर्ड पार्ट होता है उस पर अट्रैक्ट होते हैं. जो सेंटेटेड फ्लावर्स होते हैं जिनमें सेंट होती है, नेक्टर होता है, अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, जिसमें स्मेल होता है, उस पे आके बैठते हैं, अट्रैक्ट होते हैं इंसेक्ट टू कलेक्ट द नेक्टर. एट दैट टाइम उस फ्लावर के जो पॉलन्स होते हैं वो स्टिकी स्टिकी एंड स्पाइनी होते हैं, जो इजिली इंसेक्ट की बॉडी से स्टिक हो जाते हैं. ठीक है बेटा? और कलरफुल पेटल्स होते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं. ठीक है, पेटल्स कलरफुल मीन्स टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट. सो इंसेक्ट्स क्या करते हैं, उनकी बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं पॉलन ग्रेन, एंड वो दूसरे इजीली दूसरे फ्लावर के ऊपर जाके दोबारा बैठते हैं. दो गेट फॉल ऑन द पॉलन, ऑन द स्टिग्मा ऑफ द एनदर फ्लावर. क्लियर ऑल ऑफ यू? एग्जाम्पल कौन से हैं? जैस्मिन, सनफ्लावर, फिग, रेफलेसिया, दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स. इज इट क्लियर? सो बेटा एक और मेथड है जिसके थ्रू पॉलिनेशन होती है, जो हम करवाते हैं. मींस विद द आर्टिफिशियल मोड, आर्टिफिशियल मेथड से जो पॉलिनेशन होती है उसे क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन. ठीक है, इसमें नेचुरल, ये सारे नेचुरल मेथड्स थे, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, वो नेचुरल मेथड उसमें इन्वॉल्व नहीं होते. इसमें आर्टिफिशियली उनको पॉलिनेट करवाया जाता है. हाउ? क्यों? पहले तो समझेंगे हाउ से पहले क्यों करवाने की जरूरत पड़ी, इसकी नीड क्या थी. द नीड इज फॉर द हाई प्रोडक्टिविटी, हाई यील्ड. हमें ज्यादा से ज्यादा और क्विकली, रैपिडली जो ग्रोथ है प्लांट की मिले. ठीक है, डिजायर्ड करेक्टर्स जो हमें चाहिए, जो प्लांट में हमें चाहिए, जो फ्लावर में हमें चाहिए, वो हमें डिजायर्ड करेक्टर मिले. इन सब रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवाई जाती है. जो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स बनते हैं, मीन्स वो दे आर द प्लांट्स आर नॉट इजिली प्रॉन टू द डिजीज. ठीक है, उनको बहुत जल्द, बहुत कम कोई डिजीज होता है, कोई इंसेक्ट उन पे इन्फेक्ट होता है, कोई बैक्टीरिया, वायरस, कोई ऐसा इन्फेक्शन जल्दी नहीं होता. यील्ड भी ज्यादा होती है, प्रोडक्शन भी ज्यादा होती है. ठीक है, और करेक्टर्स भी डिजायर्ड होते हैं, द करेक्टर्स वी वॉन्ट. ठीक है, उस अकॉर्डिंग उनमें पॉलिनेशन करवाई जाती है बाय द आर्टिफिशियल मोड. क्लियर? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में क्या किया जाता है? नाउ हाउ इट अकर्स? जो पॉलन्स हैं अपने नर्सरी में, जहां पे भी उसको ग्रो करवा रहे हैं हम प्लांट्स को, पॉलन्स लेते हैं फ्रॉम द एंथर, उसमें से रिमूव करवाया जाता है फ्रॉम विद द आर्टिफिशियल मेथड्स. ब्रश की हेल्प से एंथर लिए जाते हैं,
उनको सिग्मा पे डाला जाता है। बिफोर दैट जब सिग्मा ग्रो कर जाता है उसको बैग से कवर कर दिया जाता है, पॉली बैग से, सो दैट कि उसके ऊपर कोई नेचुरली आके पॉलिनेशन ना कर दे। नेचुरली ओपन में वो ग्रो करते हैं, नेचुरली कोई पॉलन उस पे आके फॉल ना हो उसको कवर किया जाता है, उसका कवर रिमूव किया जाता है और उसपे ऊपर जो आपको डिजायर्ड प्लांट से एक वैरायटी जो हमें चाहिए होती है उस वैरायटी वन वैरायटी से दूसरी वैरायटी के ऊपर पॉलन्स को स्टिक करवाया जाता है, गिराया जाता है, देन उसको दोबारा से कवर कर दिया जाता है सो दैट कि अगेन कोई और पॉलन ग्रेन उससे आके मिक्स ना हो जाए। क्लियर? सो जो डिजायर्ड करेक्टर हमें प्लांट चाहिए था उसके फीचर और जिस दूसरे फीचर जिस प्लांट पे हम स्टिग्मा पे ग्रो करवा रहे हैं, दोनों फीचर मिक्स होकर एक नई वैरायटी बनाती है। दैट वैरायटी दैट प्लांट जो डिजायर्ड कैरेक्टर से प्रोड्यूस होता है उसे क्या बोलते हैं, जो आर्टिफिशियली मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है? द न्यू वैरायटी ऑब्टेन्ड ऑफ प्लांट By this method is called hybrid. This process is called as the process of obtaining new variety of plant by artificial mode. That is called as hybridization. दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है। जो हाइब्रिडाइजेशन से प्लांट न्यू वैरायटी का ऑब्टेन होता है उसे क्या बोला जाता है? हाइब्रिड बोला जाता है। इज इट क्लियर? ओके, सो हाइब्रिड जो ऑब्टेन होते हैं, कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनमें ये हाइब्रिडाइजेशन करवाई जाती है? राइस, व्हीट, मेज, कॉटन, शुगर केन, दीज आर सम एग्जाम्पल्स जिसमें आर्टिफिशियली मेथड से हाइब्रिडाइजेशन से उनमें न्यू वैरायटी डिजायर्ड करेक्टर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हमने पॉलिनेशन पढ़ लिया, पॉलन ग्रेन्स फॉल होते हैं ऑन द स्टिग्मा, उसके बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। यू कैन सी द डायग्राम, मैंने किसका डायग्राम बनाया है? इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे क्या बोला जाता है? काइनोशियम मींस कार्पल, मैंने वो ड्रॉ किया है। तीनों पार्ट हमें पता है, दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड हियर इज ओवरी। सो व्हाट हैपन, पॉलिनेशन के बाद हमने पढ़ा कि पॉलन ग्रेन्स गिरते हैं, कितने सारे पॉलन ग्रेन्स, ये सारे क्या हैं? दीज ऑल आर द पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, ये फॉल होते हैं। बट बेटा पॉलन ग्रेन में से भी कोई एक पॉलन ग्रेन होता है जो फ्यूज होता है, ठीक है? ये चार पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे दिखाए हैं मैंने, जिसमें से सिर्फ एक है जो वो फ्यूज हो रहा है जाके। क्या होता है बेटा पॉलन ग्रेन में ना, पॉलन ग्रेन के भी आगे फर्दर टू पार्ट्स होते हैं। वन इज इसमें जो सेल्स होते हैं, वन सेल होता है वेजिटेटिव सेल, ठीक है, इसमें वन वेजिटेटिव सेल होता है एंड टू क्या होते हैं इसमें? मेल सेल्स। एक वेजिटेटिव सेल और टू मेल सेल्स होते हैं, मेल सेक्स सेल्स जो होते हैं, ठीक है? यू कैन सी हियर, जो वेजिटेटिव सेल है वो इसमें से निकल के क्या बना रहा है? ट्यूब बना रहा है पॉलन ग्रेन में से जो राइज हो रही है, दिख रही है ये लॉन्ग ट्यूब, ये किसकी हेल्प से बनी है? कौन बना रहा है इसको? वेजिटेटिव सेल। एंड जो दूसरे मेल सेल्स हैं, यू कैन सी हियर, वो इसमें से पास होकर कहाँ जा रहे हैं? धीरे धीरे इट गोइंग डाउन इनटू द ओवरी, ओवरी के अंदर कहाँ जा रहे हैं? इनटू द ओव्यूल। इज इट क्लियर? ओव्यूल में जा रहे हैं, यहां सपोज आ गए मेल सेल्स, धीरे धीरे यहां पहुंच गए, इन दोनों में से कोई एक जो है वो फ्यूज होता है, ये वाले सेल कौन से हैं? एग सेल से। एग सेल के साथ जाके एक फ्यूज होता है, द अदर इज गोज एंड फ्यूज विद एनी अदर सेल्स फॉर द फूड स्टोरेज ऑफ फूड, उनकी उस पर्पस में वो काम आता है बाद में। एक का काम क्या है? यहाँ मेल एंड फीमेल एग सेल फ्यूज होते हैं एंड फॉर्म्स द जायगोट, दिस इज द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है?
पांच क्लियर हो गए. दिस इज द ओव्यूल, दिस इज द इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं इनको. ठीक है, इनका काम क्या है जी, ये बाद में जाकर क्या बनाते हैं, सीड कवर बनाते हैं. जो सीड कोट होता है ना, कवर या कोट, उसको कवरिंग को दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्यूमेंट्स. क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट है बेटा, हमने पढ़ लिया कि फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है. पॉलन ग्रेन में से मेल सेक्स सेल्स निकलते हैं, फीमेल सेक्स सेल्स दैट इज द एग सेल प्रेजेंट इन द ओवरी, ये दोनों फ्यूज होते हैं. दोनों द प्रोसेस द फ्यूजन ऑफ द फीमेल फीमेल एंड मेल सेल, दिस प्रोसेस एंड फॉर्म्स द, क्या बना रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग द जायगॉट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. क्लियर ऑल ऑफ यू व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द चेंजेस अकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन. जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हैं, क्या होते हैं चेंजेस? सबसे पहले जो जो ये ओवरी है, ये किस में चेंज हो जाती है? इट टर्न्स इनटू द फ्रूट. ये ओवरी किस में चेंज हो जाती है? द ओवरी चेंजेस इनटू द फ्रूट. क्लियर? एंड जो ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल किस में चेंज हो जाता है? इनटू द सीड. आई एम गिविंग द एग्जांपल सो दैट कि आपको क्लियर हो जाएगा. लाइक मैंगो, मैंगो के बाद जो सारा फूड होता है, जो पल्प है, जो हम खाते हैं, दैट इज द ओवरी. ठीक है, वो ओवरी पार्ट है जो मेच्योर होके क्या बन गया, फ्रूट बन गया. जो ओव्यूल है उसके अंदर सीड होता है, मैंगो के अंदर, दैट इज द ओव्यूल. ओव्यूल मेच्योर होकर किस में चेंज होता है? इनटू द सीड. इज इट क्लियर? सो दिस आर दीज आर सम चेंजेस. और जो बाकी के पार्ट्स होते हैं, सेपल्स, कार्पल्स, ये धीरे धीरे फॉल ऑफ हो जाते हैं जब फ्यूजन होती है. जायगॉट किस में चेंज हो जाता है? इट्स चेंज, जो जायगॉट अंदर का होता है, जो मेल एंड फीमेल सेक्स सेल फ्यूज हुए हैं, द चेंजेस इनटू द एम्ब्रियो. ठीक है, बाहर उनके सीड कॉट आ जाता है, सीड लेयर बन जाती है, एंड फर्दर इट ग्रोज इनटू द प्लांट. कैसे? एम्ब्रियो अंदर मेच्योर हो गया, जो बाहर सीड कोट बन गई, सीड लेयर बन गई, देन उस एम्ब्रियो में से दो पार्ट्स राइज होते हैं. वन इज रेडिकल, ये हमने पढ़ा हुआ है, एंड अदर वन इज प्लम्यूल. रेडिकल किसको फर्दर ग्रो करवाते हैं? रूट को. एंड प्लम्यूल क्या बनाता है? शूट पार्ट ऑफ द प्लांट, जिसमें से सीड में से रूट शूट निकलते हैं, इट ग्रोज इनटू अ फुल प्लांट. धीरे धीरे वो न्यू प्लांट बनता है, देन वो फुल प्लांट ग्रो होता है. इज इट क्लियर? क्लियर विद दिस टॉपिक, पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन? इज इट क्लियर?